11 तरीके जिनसे आप भारत के 11 सबसे खतरनाक जंगली जानवरों के हमले से बच सकते हैं। भारत में हर साल हजारों लोगों पर जंगली जानवर हमला कर देते हैं और उन हमलों में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग सांप के डसने से मारे जाते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो हर साल 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ सांप के डसने से मारे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारत के 11 सबसे खतरनाक जानवरों से रूबरू कराऊंगा और उन सभी के हमलों से बचने के तरीके भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं नंबर 11 पर आता है रेसेस मैकैक, जिसे हम चीकू बंदर के नाम से भी जानते हैं। भारत चीकू बंदर का घर भी माना जाता है, जो अपने शरारती व्यवहार के लिए अच्छे से जाना भी जाता है। ये लगभग इंसानों जैसा ही नज़र आता है। वैसे तो हम इन बंदरों को मनोरंजक मानते थे और हमें लगता था कि इन बंदरों से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2007 में सब बदल गया जब नई दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर सुरेंद्र सिंह बाजवा पर उनके घर में बंदरों द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण बालकनी से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तब से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बंदरों के कारण लोगों की जान गई है। अगर आप भी इस तरीके के हमले से बचना चाहते हो तो कुछ बातें हैं, उसे आप ध्यान में रखिए। नंबर 1, कभी भी चमकीली चीज़ें जैसे ज्वेलरी, चमकीले कपड़े या चश्मा लगा के बंदर के सामने मत जाइए। अगर बंदर गुस्से में है तो उससे दूर हो जाइए आप। अगर वो बंदर गुस्से में है या अगर आपको लगे कि वो बंदर आप पर हमला कर सकता है, तो आप फौरन उस जगह को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए कि आप दौड़ के भागने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी भी बंदर से आंखें ना मिलाइए, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसके लिए खतरा है, इसलिए वो आप पर हमला कर सकता है। और जितना जल्दी हो सके उस जगह को छोड़कर एक सुरक्षित जगह में जाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, नंबर 10 पर है किलर बीज यानी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को बचाती है। अगर आप उनके आसपास से भी गुजरते हो तो वो आप पर हमला कर सकती है। गहरे रंग के कपड़े मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। अगर आपका पीछे कोई मधुमक्खियाँ कर रही है तो आप अंधेरी जगह में छुपने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंधेरे में या कम रोशनी में मधुमक्खियाँ अच्छे से देख नहीं पाती। अगर आप पर मधुमक्खियाँ हमला करती है तो अपने चेहरे और अपने आँखों को बचाइए, क्योंकि मधुमक्खियाँ आपके आँखों और आपके चेहरे को ही निशाना बनाती है। अगर आप पर कोई मधुमक्खी हमला करती है तो ध्यान रहिए, भूल कर भी पानी में ना कूदे, क्योंकि वो आपका बाहर आने का इंतजार करेंगी। अगर फिर भी किसी तरीके से आप पर कोई मधुमक्खी हमला कर दे तो उसके डंक को निकालने की कोशिश कीजिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कुछ मधुमक्खियाँ इतने जहरीले होते हैं जिसके काटने से आप 24 घंटे के अंदर मारे जा सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आता है इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा। भारत में हर साल 40 लोगों को गेंडे मार डालते हैं। गेंडा जमीन पर रहने वाला तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। एक गेंडे की नज़र थोड़ा कमज़ोर होता है तो आप इसके हमले से आसानी से बच सकते हो, इसे आप आसानी से चकमा दे सकते हो। मगर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक गेंडा लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, इसीलिए उनसे भाग के बचना तो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक गुस्सेल गेंडे से बचने की तरीका सिर्फ एक ही है, किसी पेड़ या पत्थर के पीछे छुप जाना। पेड़ या पत्थर गेंडों को बहुत बड़े रुकावट लगते हैं, और हाँ, अगर आप इन रुकावट वाले जगह से भागोगे तो वो आपका पीछा नहीं करेगा। तो दोस्तों, नंबर 8 पर आता है भारतीय लाल बिच्छू, इंडियन रेड स्कॉर्पियन। लाल रंग यानी खतरा। ये जानलेवा बिच्छू पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और ये रात को शिकार करता है। कभी कभी ये बिच्छू छोटे छिपकली और चूहों को खाता है। ये लगभग 4 इंचज यानी 9 सेंटीमीटर का होता है। बिच्छू अपने शक्तिशाली और जानलेवा जहर को अपने शिकार में डालने के लिए जाना जाता है। अगर ये बिच्छू आपको काट ले तो आपकी मौत 24 घंटे के अंदर हो सकती है। अगर आप इसके डंक से बचना चाहते हो तो कुछ बातें हैं, उसे आप अपने ध्यान में रखिए। रात को कभी भी खाली पैर बाहर ना चले। जूते पहनते समय अच्छे से जूते की जांच कर ले। अगर आपके कमरे में या घर में ये बिच्छू चला आए तो एक लंबे डंडे से उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। फिर भी किसी तरीके से आप पर ये हमला कर दे तो फौरन डॉक्टर को बुलाइए या डॉक्टर के पास जाइए, कि बिच्छू से भी बहुत लोग इंडिया में मारे जाते हैं। तो दोस्तों, नंबर 7 पर है क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ।
भारत में कुछ मगरमच्छ ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। कुछ मगरमच्छ की प्रजाति ऐसे भी है जिसे हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ प्रजाति ऐसे भी है जिससे हमें बहुत खतरा होता है। अगर हम मगरमच्छ के जबड़े की बात करें तो दुनिया में सबसे खतरनाक और मजबूत जबड़ा मगरमच्छ का होता है, मतलब इसके जबड़े से बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई अपने जबड़े में जकड़ ले तो बचने के लिए उसके आंखों में और गले में हमला कीजिए, क्योंकि यही हिस्से सबसे नाजुक होते हैं। अगर आपको तैरते समय कोई मगरमच्छ दिखे तो ज़्यादा शोर मत मचाइए, पानी में ज़्यादा हलचल ना करें और जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तो इस तरह आप किसी मगरमच्छ के हमले से बच सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 6 पर है डॉग्स यानी आवारा कुत्ते। आप यकीन नहीं करोगे मगर भारत में आवारा कुत्ते बहुत सारे हैं और एक बहुत बड़ा सरदर्द भी है, क्योंकि भारत में कई सारे मौतों का कारण कुत्ते बनते हैं। हर साल भारत में तकरीबन 20,000 लोग रेबीज के कारण मारे जाते हैं। रेबीज का प्राथमिक कारण कुत्ते का काटना होता है। आप भी इनके हमलों से बच सकते हैं मगर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पर कोई कुत्ता हमला कर दे तो आप दौड़िए मत उधर से। अगर आप ऐसा करते हो तो उस कुत्ते का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शांत रहिए, भागने की कोशिश ना करें। ये सच है कि कुत्ते आपसे ज़्यादा दूर तक बिना थके दौड़ सकते हैं। शांत खड़े हो जाइए और उसकी आँखों से आँखें ना मिलाइए, क्योंकि इससे वो और भी ज़्यादा भड़क सकता है और वो आपको काट सकता है। उस कुत्ते को भड़काने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है जैसे बोतल या कोई और चीज़, तो अपने से बहुत दूर फेंकिए उसे, वो कुत्ता उसके पीछे चला जाएगा और आपका पीछा छोड़ देगा। अगर कोई कुत्ता आप पर हमला करता है तो अपने बचाव के लिए उसके आंखें और उसके गले को निशाना बनाइए और अपने गले और अपने आंखों को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुत्ते इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा हमला करते हैं, क्योंकि हमारे सबसे नाजुक अंग यही होते हैं। अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तो उस जगह को धोइए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि रेबीज का संक्रमण आपको भी हो सकता है। दोस्तों इस तरीके से आप एक कुत्ते के हमले से बच सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पर है लेपर्ड यानी तेंदुआ। तेंदुआ को तीसरा सबसे बड़ा बिल्ली माना जाता है। ताकत के मामले में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि वो अपने से दुगने वजन वाला शिकार को पेड़ में चढ़ा सकता है। कई मामले सामने आए जिनमें तेंदुआ इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। 1875 से 1912 तक तेंदुओं ने 12,000 लोगों की जान ले ली थी, सिर्फ 37 सालों में 12,000 लोग। अगर आप भी तेंदुओं के हमले से बचना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। भूल के भी तेंदुओं से नज़र ना मिलाइए, किसी भी कीमत में उसकी निगाहों से बचिए। धीरे धीरे उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। दूर होते समय दौड़िए मत, क्योंकि वो आप पर हमला कर सकता है। अगर कोई तेंदुआ आप पर हमला करता है तो जोर से चिल्लाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शोर मचाइए, उससे बड़े दिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है स्लोथ बियर यानी भालू। भालू भी बहुत खतरनाक जानवर है जो लोगों पर हमला कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे भालुओं द्वारा इंसानों पर हमला किए गए हैं, जिनमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत सारे लोग जानलेवा रूप से घायल भी हुए। एक भालू और भी खतरनाक हो जाता है जब वो अपने बच्चों के साथ होता है। यूं तो भालू ऐसे ही हमला नहीं करते, अगर आप गलत समय पर गलत जगह में हो तो वो आप पर ज़रूर हमला करेंगे। अगर आप भी इनके हमलों से बचना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं उसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कोई भालू अपने बच्चों के साथ दिखता है तो उसके सामने जाने की कोशिश ना कीजिए। उस भालू से दूर होते समय आप वहाँ से भागिए मत, दौड़िए मत, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो और भी भड़क जाएगा और आप पर हमला कर देगा। अगर फिर भी किसी तरीके से एक भालू आप पर हमला करता है तो ये बात ये ध्यान में रखें, सबसे पहले तो अपने चेहरे और अपने गले को बचाने की कोशिश कीजिए और मरने का नाटक कीजिए। इस प्रकार भालू को आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। अगर ध्यान रहे जब आप मरने का नाटक करोगे तो वो आपके आसपास आएगा और आपको सुनेगा, उस समय पर आप घबराइए मत और उस भालू का जाने का इंतज़ार कीजिए। कुछ देर में वो चला जाएगा और आप वहाँ से भाग सकते हो। दोस्तों नंबर 3 पर है एशियन एलिफेंट एशियाई हाथी। वैसे तो एक हाथी दोस्ताना और
शांत स्वभाव का होता है, लेकिन ये इंसानों पर हमला करने के लिए भी जाना जाता है। हर रोज लगभग एक इंसान हाथियों द्वारा मारा जाता है। अगर आपका सामना किसी हाथी के साथ हो जाए तो आपको उसके व्यवहार को देखना और समझना होगा, क्योंकि उसके व्यवहार से आप जान सकते हैं वो हमला करेगा या नहीं। अगर किसी हाथी का कान पीछे की तरफ और उसका सूंड मुड़ा हुआ है तो वो आप पर हमला करेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप पर कोई हाथी हमला करता है तो आपको किसी पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाना चाहिए और भागते समय रुकावट वाली जगह से भागना चाहिए, क्योंकि हम हाथी का सामना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, नंबर दो पर है बंगाल टाइगर, बंगाल बाघ। वैसे बंगाल बाघ को इंसानों को खाने वाला बहुत पहले से माना जाता है। जब भारत पर अंग्रेज राज किया करते थे तभी से माना जाता है। अगर हम इतिहास को पलट कर देखें तो ऐसे बहुत सारे बाघ देखने को मिलेंगे जो इंसानों का शिकार किया करते थे। दुनिया के सारे जानवरों में से सिर्फ बाघ ही इंसानों का शिकार करते हैं। अगर आपको कहीं पर बाघ दिखता है वहां से धीरे धीरे और खामोशी से भागने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे, बाघ इंसानों पर पीछे से हमला करता है। अगर आपके सामने कोई बाघ आ जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना शोर मचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई गन या बंदूक है तो उसे हवा में फायर कीजिए। ध्यान रहे, उस बाघ को गोली लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक घायल बाघ और भी खतरनाक होता है। ये सब करने के बाद अगर आपका किस्मत सही रहा तो वो बाघ आपको छोड़ देगा और वहाँ से भाग जाएगा। तो दोस्तों, नंबर एक पर है स्नेक यानी सांप। ज़्यादातर सांप ना ही जहरीले होते हैं और ना ही खतरनाक होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं। 80% सांपों के डंक तब लगते हैं जब इंसान सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर सांपों के डंक में जहर नहीं होता, लेकिन लोगों को लगता है अब मुझे सांप ने काट लिया, अब मरना तय है। वो घबरा जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, ना कि सांप के जहर की वजह से। अगर आपको भी सांप काट ले तो ये बात ध्यान में रखिए। सबसे पहला, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर सांप जहरीला हो जैसे कोबरा, वाइपर या ब्लैक माम्बा, तो उसके जहर को चूस कर निकालने की कोशिश ना कीजिए जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है। जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह को साबुन से धोइए और फौरन इमरजेंसी को कॉल कर दीजिए। अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइए। तो दोस्तों, इन तरीकों से आप भारत के सबसे खतरनाक जंगली जानवरों के हमले से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ये तो कह दिया कि हज़ारों लोगों को जानवर मार डालते हैं और ये सच भी है, लेकिन ये भी सच है कि करोड़ों जानवरों को इंसान मार डालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन जानवर अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हक इस दुनिया पर हम इंसानों का है उतना ही हक जानवरों का भी है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें जानवरों को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।